127 दिन हो गया हम लोग को। ये जो है झारखंड सरकार जो अपने को माटी की सरकार कहता है, यहाँ पे जो हम लोग सहायक अध्यापक बैठे हुए माटी के लोग ही है। जिस प्रकार इनको चुनाव में हम लोग जीता कर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाया है, अगर हमारा मांग जो एक मांग वेतन मान नहीं देती है तो आने वाले दिन में इनको कुर्सी से भी उतारने में हम लोग को समय नहीं लगेगा। ये बात हम लोग ने कई बार दोहराया, सारे जितना भी सत्ताधारी विधायक है सारे ने कहा कि आपकी मांग जायज है। अगर जायज मांग है तो भैया आप कैबिनेट में लाओ ना, ला कर हम लोग का मांग को पूरा कीजिए। ऐसे भी हम लोग जायज मांग मांग रहे हैं, हम लोग अजायज मांग नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोग टेट पास है और सारे अर्हता रखते हैं शिक्षक बनने का। जब शिक्षक बनने की सारी अर्हता रखते हैं तो फिर कहाँ पर दिक्कत हो रही है। अभी यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, क्या करिएगा? बैरिकेडिंग लगा दिया। देखिए, बैरिकेडिंग तोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग शिक्षक है, यहाँ प्रशासन है, प्रशासन से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई झारखंड सरकार से है। हम लोग आज चेतावनी देने के आए हैं, क्या कि 127 दिन जो हम लोग बैठे हुए हैं, गूंगी सरकार को बहरी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग यहाँ ठंडा में बैठे हुए हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा है, आज चेतावनी देने आए हैं। देखिए, ये बैरिकेडिंग हम लोग के लिए कुछ नहीं है, कई बार हम लोग ने बैरिकेडिंग तोड़े हैं, जेल भी गए हैं, दो दो केस भी चल रहा है, हम लोग इससे डरते नहीं है। लेकिन हमारा इस सरकार से अभी भी एक अपेक्षा है कि ये हेमंत सोरेन जो है हमको वेतन मान देगी। अभी भी हम लोग ये अपेक्षा रखे, आशा रखे है, अभी भी चाहते हैं कि हमारे साथ वार्ता करे और हमको वेतन मान दे। अच्छा, बिना सीएम आवास तक जाए अपनी आवाज कैसे पहुंचाइएगा वहां? बैरिकेडिंग तोड़ के पहुंचेंगे। बैरिकेडिंग क्या है, चार चार को बैरिकेडिंग लगा देगा फिर भी टूट जाएगा। आज कुछ रुकने वाला नहीं है, सरकार हम लोग के साथ आंख मिचौनी खेल खेल रहा है ना, हम लोग भी खेलने जानते हैं। ऐसे खेल खेलेंगे वो बातचा है तो हम लोग मुन्ना है एक का, आप जान लीजिए। हाँ, बातचा हम लोग सब सरकार के गुलाम नहीं है, वो बातचा है तो हम लोग मुन्ना है। हाँ, दिखा देंगे सरकार को क्या क्या मांगे हैं आपके। 127 दिनों से धरना दे रहे हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि विगत चार माह से हम लोग राजभवन के समय बैठे हुए हैं और आप लोग भी देख रही होंगी, आपका न्यूज चैनल भी आते होंगे, आप लोग न्यूज लेने देखते होंगे कि विगत चार माह से हम लोग टेट पास पारा शिक्षक राजभवन के सभी बैठे हुए हैं वेतन मानव समायोजन की मांग को लेकर। जब यह सरकार पूर्व दिवंगत शिक्षा मंत्री जब जिंदा थे जगन्नाथ महतो जी, तो वे बोले थे कि टेट पास पारा शिक्षक को वेतन मान दिया जाएगा, इसके लिए बाकायदा ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, तय भी हुआ था और इस पर महाधिवक्ता का लिखित राय है कि टेट पास को वेतन मान दिया जा सकता है। सरकार महाधिवक्ता से राय ली थी कि टेट पास को वेतन मान दिया जा सकता है, तो महाधिवक्ता लिखित दिया है, रिटेन में है, हार्ड कॉपी है कि टेट पास को वेतन मान देने में कहीं कोई कानूनी अड़चन नहीं है। उसके बाद भी सरकार नहीं देती है और सरकार बोलती है कि नहीं आपका काम हो रहा है। जहां भी सीएम जाते हैं सभा में, उनसे हमारे डेलीगेट लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि आपका काम हो रहा है, बिल्कुल आपका काम करेंगे, तो आखिर कब मेरा काम कीजिएगा? आपका काम करने का तरीका से काम होता दिख नहीं रहा है, आखिर आपके मन में क्या है? ये बात तो सामने आनी चाहिए। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग विद्यालय में पढ़ाते हैं, हम लोग को रोड पे आंदोलन करना अच्छा लगता नहीं है। तो यही बात आप सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए कि आखिर उन लोग ऐसा क्या मांग लेके आया है जो उनकी मांग को आप आज क्या कर रहे हैं? बैरिकेडिंग लगा दिया गया, सीएम तक आपकी आवाज पहुंचेगी? हम लोग आज मुख्यमंत्री का आवास घेराव करने आए हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री हमसे बात करते हैं, हमारे डेलीगेट को वार्ता के लिए बुलाते हैं, तो हम लोग वापस हो जाएंगे, अन्यथा हम लोग बैरिकेडिंग तोड़कर जहां भी जाएंगे आगे मुख्यमंत्री के आवास तक जाने का प्रयास।
प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो अगर मुख्यमंत्री जो है वो वार्ता के लिए डेलीगेट्स को बुलाते हैं तो ठीक, वरना बैरिकेडिंग तोड़कर जो है ये सीएम आवास तक पहुंचेंगे और अपनी मांग, अपनी आवाज सीएम आवास तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।